हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर चैनल। आज हम लोग करेंगे डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, नाउ आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ऑथर जो है या फिर जो स्पीकर है वो एमलेसली जा रहा था कहीं में भी, ठीक है, और वो अचानक से एक सीन के आसपास आते हैं, एक ऐसा सिनारियो देखता है, क्राउड देखता है कि जहाँ पे गोल्डन डैफोडिल्स एक टाइप का फ्लावर पूरी तरह से कवर किए हुए एरिया को, ठीक है, ट्रीज़ के नीचे, लेक के पास, ठीक है, हर जगह पे है और विंड के साथ, ठीक है, और डांस कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल स्वे कर रहे हैं। ओके, कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइंस एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन्स अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे 10,000 आई सॉ एट अ क्लास टॉसिंग द हेड्स इन स्प्राइटली डांस। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है, इतने सारे हैं जैसे स्टार शाइन कर रहे हैं, ठीक है, और नेवर एंडिंग लाइन मतलब उनको देखने से लग रहा है कि अभी ख़त्म होंगे नहीं, चले जा रहे हैं, ठीक है, और वो बे के मार्जिन मतलब जो रिवर है उसके पास तक हैं, ठीक है, और यहाँ बोल रहे हैं कि एक बार में उसने बहुत सारे देखे, ठीक है, 10,000 एट अ ग्लांस, 100 एट अ ग्लांस, ठीक है, टॉसिंग द हेड्स इन स्प्राइटलिंग डांस। ये जो बोल रहा चाह रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक लग रहे हैं, ठीक है, स्पार्कलिंग, ओके, अपने डांस साइड जब हवा चलता है तो कैसे फ्लावर्स थोड़े हिलते हैं ना, तो उसमें स्प्राइटली डांस। द वेव बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। अ पोएट कुड नॉट बी गे इन सच जोकंड कंपनी। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ दैट शो ऑन मी हैड ब्रॉट। ठीक है, तो वहाँ पे इतना एनर्जेटिकली वो जब देख रहा था उन फ्लावर्स को तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत एनर्जेटिक है और वो स्पार्कल ऐसा कर रहे थे कि जो लेक का स्पार्कल है ना, सोच कर से स्पार्कल करता है लेक, क्लियर लेक, तो उसको भी उसकी भी चमक को ये लोग ओवरशैडो कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि ये जो नेचर का ब्यूटी देखा है ना, इसका जो इम्प्रेशन या फिर इतना जो इसके कारण जो चार्म, ठीक है, जो इम्पैक्ट उसके लाइफ पे होगा वो अभी इसको पता नहीं है। ठीक है, ये जो आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ दैट द शो ऑन मी हैड ब्रॉट, तो जो इम्पैक्ट ये सीनरी का हुआ उसके लाइफ पे ये उसको उस समय समझ नहीं था, उस समय पता नहीं था। ठीक है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड द फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स। तो यहाँ इस पैराग्राफ में बोल रहा है कि जो ऑथर है वो कहीं पे वेकेंटली बैठा है, उसका माथा थोड़ा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत ही पेंसिव, अच्छा मूड नहीं है, ठीक है, तभी उसके मेमोरी में ये डैफोडिल्स का जो सीन उसने देखा था, इतना खूबसूरत सीन, वो फ्लैश करता है। ठीक है, और वो जो है फिर खुश हो जाता है, ठीक है, उसका माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है और वो जो उसने वो मेमोरी बनाई थी ना उसकी वजह से उसको खुशी वापस आती है। ठीक है, वो पेंसिव मूड से बाहर निकल आता है। यही वहाँ जो वेल्थ या जो इम्पैक्ट उसके लाइफ पे हुआ था वो यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये पोएम यहीं पे रहता है और इसके क्वेश्चन आंसर्स का मैं बना के दे देता हूँ कुछ टाइम के लिए।